और भाई लोगों देख लो काव्या को, आज मैंने पुराने कपड़े निकाले थे जो कि मैं फेंकना चाहती थी, लेकिन काव्या ने अपनी डॉल को पहना दिए वो कपड़े। काव्या बताओ क्या किया तुमने, क्या हुआ, ये कपड़े कहाँ से आए? ठीक है हाँ, अब कोई भी छोटे कपड़े मैं फेंकूंगी नहीं, काव्या सारे अपने डॉल को पहनाएगी। हाँ काव्या बताओ, इसकी डॉल के पास कपड़े नहीं है भाई, क्या बना दिया इसने डॉल का? आ जा इधर, अपने पापा का पूरा फोल्डिंग पलंग इन लोगों ने चढ़ चढ़ के तोड़ दिया, आप देख सकते हो पूरी पट्टियां निकल गई है। डॉल की अलमारी बनाएगी भाई, उसमें कपड़े रखेगी अभी। ओ इतने कपड़े मत निकाल, जब जरूरत होगी तब निकालियो, अभी रख दे। अभी ऐसा है मैं कूड़े वाले में फेंकूंगी सारे कपड़े। एक्चुअली कहा कुछ छोटे कपड़े हो गए थे, मैंने कहा किसी गरीब को दे दूंगी या फिर कूड़े में फेंक देंगे, मतलब कूड़े में नहीं, मतलब कूड़े वाला आता है वो ले जाएगा, और उनके उधर छोटे बच्चे होते हैं वो लोग पहन लेंगे इन कपड़ों को, क्योंकि ये लड़की पूरे थैले में से कपड़े निकाले जा रही है। कल काव्या का बर्थडे भी, ये भी सुन लो आप, तू इन्हें रख रही है नहीं रख रही? वही रखना जैसे जहाँ रखे हुए हैं, ढूंढेगी कैसे? हाँ। पूरे घर में गंदगी मत मचा फैला के, वैसे ये कपड़े चेयर पे रखे हुए हैं ना, ये मुझे अलमारी में सेट करने हैं, इतना काम है मेरे को। आज हमने मंदिर की क्लीनिंग करी है और कल मुझे किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है, और कल है हुई अष्टमी का व्रत, तो कल तो क्लीनिंग नहीं होगी, कल वीरवार भी है, वीरवार को सफाई नहीं करते हम लोग। कल काव्या का बर्थडे है, सारे घर में सफाई हो गई है, बस एक कूलर है जो यहाँ पर हटाना है। गाइज इसके बर्थडे में आ जाना, आप लोग को इनविटेशन मिल रहा है, ओपन इनविटेशन मिल रहा है, आ जाओ सब लोग बर्थडे में, बर्थडे सेलिब्रेशन में। क्या होगा तेरे बर्थडे में कल? मैं अपने बर्थडे में घूमने जाऊंगा। कितनी बड़ी हो गई तू बता तो? मैं 6 इयर्स की हो गई है। अकल तो नहीं आई तेरे को 6 वाली? हैं? अकल तो 6 वाली नहीं आई लेकिन तेरे को? अभी थोड़ी ना हुई हूं, अभी तो 5 की हूं, मैं कल होऊंगी ना 6 साल की। भाई अभी ये 5 साल की है, कल ये 6 साल की हो जाएगी, एक ही दिन में हो जाएगी 6 साल की। कल तेरे में अकल आ जाएगी फिर? है? 10 तक टेबल याद करके सुबह सुनाने हैं मैम को, याद है? 6 साल के बच्चे को आता है। और क्या? आता है ना 6 साल के बच्चे? 6 इयर्स के बच्चे को पूरे 20 तक टेबल्स आते हैं। हाँ तो मुझे भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? मैं आ जाऊंगा। आ जाएगा नहीं, याद करना पड़ता है, ऐसे नहीं आता। मम्मा कल पापा की छुट्टी है ना? पता नहीं बेटा, कल वो तो कल ही पता चलेगा छुट्टी है कि नहीं है। सीसो झूलती है भाई ये। मैं सीसो में नहीं गई, मैं असली सीसो में जाएगी अभी, ये चिल्ड्रन पार्क चलेंगे एक दिन, वहाँ पे सीसो मिल जाएगा तेरे को। सीसो और वो ऐसे धक्के वाला झूला? धक्के वाला झूला कौन सा होता है भाई? ऐसे जिसमें धक्का मारते हैं। हाँ वो भी मिल जाएगा, धक्के वाला झूला, सारे झूले मिल जाएंगे। और क्या मम्मा, वो वाला झूला नहीं होगा ना उसमें जो घोड़ा घूमता है ऐसे? घोड़े वाला झूला कभी चिल्ड्रन पार्क में नहीं आता, वो सब मेलों में होता है, वो भी पहले होते थे अब बंद हो गए। वो बस टीवी में होता है, मैंने तो देखा नहीं बचपन से, उसके बाद से वाला कौन सा? जो ऐसे घूमता है। अच्छा जेंट व्हील नहीं, ऐसे वो घोड़े वाला। अच्छा वो झूला तो देखा है वो ना? इसलिए बंद हो गया क्योंकि उसमें ना बच्चे गिर जाते थे, पकड़ने की जगह नहीं होती ना सिर्फ वो घोड़े वाले झूले की। वो तो पकड़ लेते हैं कान, कान पकड़ के, इतनी वो नहीं होती काम, वो चलता इतनी तेज है कान पकड़ने से बच्चों का हाथ छूट जाता था। मम्मा तो वो वाला झूला तो होगा ना जो क्या बोलते हैं वो फिसल पट्टी? हाँ फिसल पट्टी, फिसल पट्टी मेले में थोड़ी ना मिलती, चिल्ड्रन पार्क में मिलेगी फिसल पट्टी। चिल्ड्रन पार्क हम पट्टी में, फिसल पट्टी में ना ऐसे सीढ़ियों पर चढ़ो। भाई कॉफी रख दे फिर, मेरे को कॉफी बनानी होती, मिलती नहीं है रात को। मैं डॉल को भी झुलाऊंगा कल, ये दो रुपए वाले नेस्कैफे के पैकेट लाइए। मैं डॉल को फिसल पट्टी में झुलाऊंगा। ठीक है तो ये ले, हमारी बाइक पे सिर्फ दो ही बच्चे जा सकते हैं, डॉल को कौन ले जाएगा इतनी बड़ी? गोदी में ले जाऊंगा। अभी मैं जा रही हूँ मार्केट काव्या के लिए पैंट लेने के लिए, जैसी पैंट काव्या ने पहनी उस तरह की पैंट कल लाऊंगी। नहीं कोई नहीं जाएगा, ऐसी पैंट लेकर आऊंगी तो काव्या कल बर्थडे में पहन लेगी मॉर्निंग में, और शाम को तो ये कितनी जिसमें इसमें कितनी इसमें कितनी इसमें कितनी। हाँ तो ये तो छोटी होगी, लास्ट ईयर की है ये, जब इसके 5th बर्थडे पर मैं लेकर आई थी, ऐसी पैंट लेकर आऊंगी, ज्यादा महंगी भी नहीं आती है और अच्छा फैब्रिक है, एक साल चल गई तो समझ लो आपका पैसा वसूल हो गया। हटना, ये खाओगे? कुछ नहीं खाना मेरे को, ये खाते हैं।
कॉफी है ये, रख दे, रात को कॉफी बनाऊंगी। कल मेरे को बेचैनी हो रही थी कॉफी पीने, पीते नहीं है ये, खाते क्योंकि मुझे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, तो कॉफी इसमें फायदा करती है। मम्मा इसमें आवाज क्यों आ रही है? कॉफी का पाउडर है उसमें तो आवाज ही आएगी। टेबल याद नहीं किया, कल मैम तेरी रेल बनाएगी सुबह, फिर मैम को बताइयो आज मेरा बर्थडे है, रेल मत बनाओ मेरी। मैम को खुद बताएगी मेरा बर्थडे। मैम को कैसे पता? तो आप बता देना। मैं कुछ नहीं बात करती तेरी मैम से, डेंजर मैम है तेरी। आप ही बोला, मुझे शर्म आती है। शर्म किस बात की, स्कूल छोड़ दे। मुझे बोल ले। सिक्स इयर्स की बच्चे को शर्म आती है? आपको भी तो आती है, नाक में उंगली डालते हो आप गंदे बच्चे। नाक में खुजली होती है तो उंगली डालनी पड़ती है, और क्या होता है? मैं भी तो डालता हूँ, आप मुझे मना क्यों करते हो? क्योंकि तू छोटी बच्ची है ना, नाक में उंगली डालती हूँ तो उसके बाद हाथ भी धोने जाती हूँ मैं, ऐसे तुम्हारी तरह नहीं हूँ। नाक में उंगली डाली फिर उससे कुछ भी खाने लग गए, हाथ लगा दिया इधर उधर। हाँ तो धो ना जाके। हाँ जा रही हूँ ना। कहाँ जा रही हो? अब जा रही हूँ, कोई खाने में हाथ नहीं लगाऊंगी, उस खाने में हाथ लगाने से पहले पहले मैं हाथ धो लूंगी। अब तू मेरे हाथ टच मत करना गंदी लड़की। निक्कू ने सपना देखा, कौन सा सपना देखा भाई? कि पत्ते कि हम ना नीचे उतरे, और पापा ने बोला कि पत्ते के बम चलाओ, पत्ते के बम चलाते रॉकेट बन गए वो। क्यों पन्नी फाड़ा आलू की बेवकूफ? आलू की बेवकूफ, बेवकूफ बोलिए, बेवकूफ बेवकूफ। ये देखा हमने, मम्मा ने क्या दिए? ठीक है रख दो। ये देखो ला ला ला, ये टूटे हुए थे इसलिए मम्मा। हाँ ये खंडित हो गए थे, टूट गए थे, आज हमने मंदिर की क्लीनिंग करी थी तो काव्या को दे दिए खेलने के लिए, काव्या खेल लेगी इनसे। और ये वाले कैलेंडर्स भी पुराने हो गए थे, नए वाले लगा दिए मंदिर में, कल हुई अष्टमी का नया वाला लगा दूंगी। काव्या बदतमीजी मत कर, नानी को बोला था कि नानी आ जाएगी। मम्मा मेरे ऐसे वाली मेहंदी कब लगाओगे? जब तो बड़ी हो जाएगी। नहीं देखो ये माता जी है तो इनके मुंह लगाते हैं। हाँ मुंह लगाते हैं, इनको एक जगह रख के खेलते हैं। पता दिवाली में क्या होता है, जब हमारी छत नहीं है ना, हमारी छत हो जाएगी, चद्दर की छत है, जब उसके ऊपर छत बन जाएगी तो तुम्हारे लिए मिट्टी का मंदिर बनाया करूंगी। और भगवान की लड्डू गोपाल देख, अभी यूट्यूब में खोल के दिखाती हूँ तुझे मिट्टी का मंदिर कैसा होता है, फिर उस मिट्टी के मंदिर में तुम लोग पूजा कर सकते हो रोज। लड्डू गोपाल जी पुराने वाले भगवान जी रख के उसमें दिया जलाओगे रोज, और गाना बजाना, हम बचपन में खेलते थे। और कमेंट बॉक्स में बताना गाइस मुझे कौन 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 मंदिर मिट्टी के बनवाता था दिवाली के टाइम, पूजा करते थे हम लोग तो बचपन में खेलते थे। वो मंदिर बहुत सुंदर होता था, बिल्डिंग वाला देखते थे किसका मंदिर सबसे खूबसूरत है, किसकी दो मंजिल है, किसी की एक मंजिल है, और उसमें सीढ़ियां भी बनी होती है मंदिर में मिट्टी का, आपको पता भी होगा बचपन का टाइम। और दिवाली पे उसमें पूजा करते थे, बैठते थे, गाना वाना गाते थे ढोलक छोटी वाली लेकर, तो बहुत मजा आता था। अब तो बच्चे ये सब खेलते ही नहीं है। आपने वो वाला खेल खेला जिसमें तीन कुर्सी होती है, गाने बजाते हैं, ऐसे घूमता, जो कुर्सी पे सबसे पहले बैठा वो जीत गया। म्यूजिकल चेयर बोलते हैं उसको। हाँ। मैं भी खेलूंगा ये। खेलेंगे तो हमारी चादर की छत अभी खेलेंगे? तो जब हमारा फ्लोर बन जाएगा तब खेलेंगे। खेल लेंगे बाद में, जब हमारा फ्लोर बन जाएगा तो ऊपर मंदिर बनाऊंगी इनके लिए, और नेक्स्ट ईयर शायद हो जाए, भगवान जी करें, लक्ष्मी माता की हमारी छत बन जाए, और अगले साल हम आपका मंदिर बनाकर खेलेंगे। मम्मा सुनो तो, वो ऊपर छत पे ना वो वाले झूले गाना सुपर वाला, उस पे लेट भी जाएंगे बैठ भी। अब मैं वीडियो में सब लोग बाय बाय कर रहे हैं क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा बोलती है, बोलने नहीं दे रही है, तो बाय गाइस। आप बोला, आप नहीं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे भी वीडियो बहुत लॉन्ग होती जा रही है। बाय।